साढ़े जिन्हें मर्जी लीडर वो दख लैन साडा अंदोलन इदा ही जारी रहेगा। हर तरह का जवाब चौबी की लोग सभा इलेक्शन देंगे दे देश वेखूगा। चौबी दे विच बीजेपी सत्ता च नहीं आ रही, असी इन्ना क माहौल ये देश दे पैदा करता, असी जो लोड़ पेगी होर रोस जरा वधावे। सरदार संजय सिंह जी उन्होंने बिना सबूतों तो बिना किसी गल तो ईडी ने जड़ा वो अरैसट किया। पहलिया केसा के भी ईडी कोई सबूत नहीं दे सकी, होने वाले केस के भी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिता। आम लोगों के भी आम आदमी पार्टी के भी बहुत बड़ा रोस है, जिन्हों मर्जी फट के अंदर दे दें। लोग सभा इलेक्शन बीजेपी पूरी तरह लक तोड़ भी उन्होंने हार हो रही है, जो मर्जी कही जाए कि मनीष सिसोदिया जी को सतेंद्र जैन जी को संजय सिंह को झूठे केसों में फसा के बीजेपी को की मिलिया तो की उन्होंने खटिया। ये फर्जी शराब घोटाला जिदा बीजेपी पिछले डेढ़ साल तो रौला पा रही है। शराब घोटाले के जिहड़ा भी कोई लीडर बोलता है उन्होंने फड़ के उसके पिछे ईडी सीबीआई जी वो ला दी जाती है। संसद के संसद तो बाहर मोदी के विरुद्ध ज बीजेपी दियाँ भ्रिष्ट गलत नीतियां के विरुद्ध आवाज़ उठाते ने उन्होंने टारगेट किया जा रहा। इंडिया अलायंस आ इंडिया अलायंस तो इस वेले मोदी घबराया होया, इस वेले कोझियां हरकतों के उत्ते बीजेपी जिहड़ी आ उतर आई आ। साडी आवाज़ नूं दबा के 2024 दियां इलैक्शन लड़ना चाहते हैं। जिवें अंडानी अंबानी वर्गे उन्होंने हाथों के मोदी सरकार खेड रही है। आम आदमी पार्टी सारे पंजाब दे विच साडे पार्टी के कौमी लीडर बहुत बड़े लीडर साडे लोक सभा राज सभा दे विच साडे जिहड़े सब तो वध बुलारे जिन्हां ने पिछले दो तीन साल तो मोदी दे उहदे जिहड़े दोस्त उहदे सज्जन जिहड़े लटेरे जिहड़े इह देश दा पैसा लुट के लै गए उन्हां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन वाले सरदार संजय सिंह जी उन्हां नूं बिना सबूतों तो बिना किसी गल तो ईडी ने जिहड़ा वो अरैसट किया। पहलियां केसां दे विच भी ईडी कोई सबूत नहीं दे सकी, होने वाले केस के भी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिता। जिदा ईटीओ साहब तुहानूं दस रहे उन्होंने घर की तलाशी ली तुसां सब ने देखे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। एक बंदे का बयान लिख के मैं इनू इनू पैसे दिते आधार के उत्ते संजय सिंह होरां नूं जिहड़ा गिरफ्तार किया गया उन्होंने रिहाई वास्ते इस वेले पूरे देश के दे आम लोगों के भी आम आदमी पार्टी के भी बहुत बड़ा रोस है। और करके असी ये अंदोलन जोड़ा कर रहे हैं, यदा असल कारण की है कि 24 की इलेक्शन बिल्कुल नेड़े आ गई है और बीजेपी ये समझ आ गई कि देश के अंदर जे कोई लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी के नाल लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के आगू अरविंद केजरीवाल जी ये देश के दे जड़ा इंडिया बनिया वो अगवाई कर रहे वो डरते हुए साडे लीडर जरा वो जेलों के डक रहे, पर उन्होंने समझ लेना चाहिए कि साड़ी पार्टी आम लोगों की पार्टी आम लोगों जो पैदा हुई पार्टी असी वाले जड़ा साढ़े जिन्हें मर्जी लीडर वो डक लैन साडा अंदोलन इदा ही जारी रहेगा। और असी हर तरह का जवाब 24 की लोग सभा इलेक्शन देंगे दे देश वेखूगा कि 24 की लोग सभा आम आदमी पार्टी जी जवाब कि बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर इशारा करते हैं कि हले जो किंग पिन ने उन्होंने भी नंबर आने वाला यानी कि केजरीवाल साहब वालों उन्होंने इशारा किया। सर सानू सारिआं नूं फड़ के भावें अंदर दे दें और ये गल अनुराग वर्गिआं नूं चेते रखनी चाहिए आम आदमी पार्टी का जिन्होंने मर्जी फड़ के अंदर दे दो। 24 दे विच बीजेपी सत्ता च नहीं आ रही, असी इन्ना क माहौल ये देश दे च पैदा करता। अरविंद केजरीवाल जी ने इन्ना माहौल पैदा करता
जिन्हों मर्जी फड़ के अंदर दे दें। लोग सभा इलेक्शन बीजेपी पूरी तरह लक तोड़ भी उन्होंने हार हो रही है, जो मर्जी कही जाए। जिस तरह कल चंडीगढ़ के भी आप समर्थक जोड़े फटे चुके हैं और उसे पानी का इशारा भी चलाइया गई तो की ये जो रोस है ये कोई फर्क पेगा या होर बधेगा? बिल्कुल फर्क पेगा, होर रोस बधेगा, असी जो लोड़ पेगी होर रोस जरा बधावे और ये असर भी पेगा। तू असर जरा अंतम दे उ 24 का जो रिजल्ट आऊगा फिर तू असर दिसूगा कि मनीष सिसोदिया जी को सतेंद्र जैन जी को संजय सिंह को झूठे केसों में फसा के बीजेपी को की मिलिया तो की उन्होंने खटिया। देश के लोग 24 वाली लोकसभा के उन्होंने एदा मूँह तोड़वा जवाब दे। देखो अज असी इतने अमृतसर भंडारी कोल के उत्ते साडे माणयोग एम पी मैंबर राज्य सभा संजय सिंह जी ने परसों गिरफ्तार किया एक फर्जी शराब घोटाले दे विच और बड़े लंबे समय तो यह फर्जी शराब घोटाला जिहड़ा चल रहा है ये उत्ते साडे ओ लीडर साडे ओ नेता जिहड़े पार्लीमेंट दे विच मोदी के विरुद्ध बोलते ने बीजेपी के विरुद्ध बोलते ने उन्होंने करप्शन के केस सामने लेके आते ने उन्होंने टारगेट किया जा रहा। पहला साडे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के ईडी राही गिरफ्तार किया गया, कोई सबूत नहीं सीगा उन्होंने, कोई रिकवरी नहीं सी उन्होंने तो। फिर हुण उस कड़ी के साडे माणयोग जड़े मैंबर राज्य सभा ने संजय सिंह जी ने परसों गिरफ्तार किया, उन्होंने घर की 8 घंटे तक तलाशी ली, कोई भी रिकवरी नहीं हुई, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ये फर्जी शराब घोटाला जिदा बीजेपी पिछले 1.5 साल तो रौला पा रही है, ये लगभग हुण तक 1000 वख-वख थावां ते रेड किए जा चुके ने, 500 मुलाजम अधिकारी इन्हां लाया होया कि जड़ा फर्जी शराब घोटाले दे विच जिहड़ा भी कोई लीडर बोलता है उन्हें फड़ के उहदे पिछे ईडी सीबीआई जिहड़ी आ उह ला दित्ती जांदी है। सो ये जड़ा बीजेपी लंबे समय तो तशद्दद कर रही है इहदा इक्को एक कारण सामने आउंदा है कि जिहड़े साडे नेता संसद दे विच जां संसद तो बाहर मोदी दे विरुद्ध जां बीजेपी दीआं भ्रिष्ट गलत नीतियां दे विरुद्ध आवाज़ उठाउंदे ने उहनां नूं टारगेट किया जा रहा। हुण देखो 2024 दीआं लोकसभा दीआं इलैक्शन जिवें जिवें भी नेड़े आ रही ने तिवें तिवें ही बीजेपी का तशद्दद जिहड़ा आ उह लीडरां दे उत्ते वध रहा, क्योंकि जिहड़ा इंडिया अलायंस आ इंडिया अलायंस तो इस वेले मोदी घबराया होया, क्योंकि उन्होंने पता है कि जो साडियां कमजोरियां ने जो इन्होंने भ्रिष्ट साधन पिछले 8-9 साल दे विच कीते ने वो सारे जड़े ने इन्हां दे उजागर होणगे और इसे लड़ी दे विच जड़ा साडे लीडर टारगेट किए जा रहे ने। असी कल भी रोस प्रदर्शन किया सीगा चंडीगढ़ दे विच, चंडीगढ़ पुलिस ने उहदे ते पानी दीआं बुछाड़ां भी साडे विधायकां ते मंत्रियां ते साडे वर्करां ते छड्डियां, अथरू गैस भी छड्डे, इस तों इलावा लाठीचार्ज भी किया। पर मैं एक गल असी सारे ही साडे मंत्री साहब साडे विधायक अमृतसर तों असी सारे ही इस रोस प्रदर्शन दे विच आ, असी जिन्ना चिर तक संजय सिंह जी न्याय नहीं दिता जाता रिहा नहीं किया जाता उन्ना तक साडे ये रोस प्रदर्शन जड़े आ वो जारी रहेंगे। पंजाब दे विच एक गल जी देखने आ रही है कि कोई खैरा की जी गिरफ्तार है उन्होंने एक तरह कंपेयर किया जा रहा है, तुम्हें लगता कि कंपेयर करना ठीक है? देखो ये कोई कंपेरिजन नहीं है, जेड़ी पंजाब दे विच कोई कार्रवाई आ उत्थे वड्डियां वड्डियां रिकवरियां ने वड्डे वड्डे एविडेंस ने उहदे उत्ते कार्रवाई हुंदी आ। इत्थे 1.5 साल दे विच 1000 तों वध रेड दिल्ली दे जिहड़ा शराब घोटाला कह रहे ने कथित शराब घोटाला जिहड़ा कि बिल्कुल गलत आ इलीगल आ उहदे उत्ते 1000 रेड तों बाद अज तक भी कोई रिकवरी नहीं हुई, अज तक भी कोई उहदे विच एविडेंस नहीं मिली। सिर्फ इक्को एक कारण आ कि आम आदमी पार्टी दे जिहड़े लीडर मोदी विरुद्ध बोलते ने अंबानी अडानी के विरुद्ध बोलते ने उन्होंने टारगेट करके 2024 दीआं इलैक्शन दे विच उन्होंने जेल दे विच सुट्टा। पर ये मामला जिहड़ा इंडिया अलायंस तो पहलों का चलता आ रहा, तुसीं कहा कि इंडिया अलायंस करके जिहड़ा घबराए उहदे करके? नहीं घबराए, हुण देखो हुण जिवें मैं तो पहलां ही कहा जिवें जिवें
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉੱਤਰ ਆਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੱਥੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਬੇਖਾਫ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ 8-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੁਲਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ 24 ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਮਨਾ ਨੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਵੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 8 ਘੰਟੇ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ